नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तीसरा ओडीआई का मुकाबला खेला जाएगा। कहां पे वेन्यू होगा? रिवरसाइड ग्राउंड चिस्टरली स्ट्रेट में शाम के खेला जाएगा मुकाबला 5 बजे। उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा, इस वेन्यू पे जो औसतन स्कोर रहता है वो रहता है 260-270 के बीच में। मुझे लगता है आराम से 300 के आसपास टारगेट लगने वाला है। हाईएस्ट टोटल 338, लोएस्ट टोटल यहां पे है 99। वेन्यू ओडीआई स्टैट्स को लेके बात करें, टोटल मैच खेला गया है 19, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 8, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 11 मुकाबला। ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न को लेके बात करेंगे, बिलो स्कोर 200 बने 5 टाइम्स, बिटवीन 200-249 बने 2 टाइम्स, बिटवीन 250-299 बने 7 टाइम्स, अबव 300 बने 5 टाइम्स। अब आइए हम फटाफट यहाँ पे बात करते हैं रिसेंट मुकाबला जो इस वेन्यू पे खेला गया उसमें कैसे क्या स्कोर बना है, और वही आपको बताएगा पिच का एक्चुअल नेचर। सबसे लास्ट मुकाबला हुआ था 19 जुलाई 2022 को, जहां पे साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाई थी 50 ओवर में 333 5 विकेट नुकसान पे। जवाब में इंग्लैंड 46 ओवर 5 गेंद में 271 10 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 2, स्पिनर 3, सेकेंड इनिंग पेसर 5, स्पिनर 5 विकेट। से पहले 29 जून 2021 को श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाती है 185 रन 10 विकेट नुकसान पे 42.3 ओवर में। इंग्लैंड 189 5 विकेट नुकसान पे 34.5 ओवर में। फर्स्ट इनिंग पेसर 7, स्पिनर 1, सेकेंड इनिंग पेसर 5, स्पिनर 0 विकेट। इससे पहले अगर हम बात कर लेंगे 3 जुलाई 2019 को, इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाती है 305 रन 8 विकेट नुकसान पे 50 ओवर में। जवाब में न्यूजीलैंड लगाती है 45 ओवर में 186 10 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 7, स्पिनर 1, सेकेंड इनिंग पेसर 7 और स्पिनर 1 विकेट। बात करें यहाँ पे पेस वर्सेस स्पिन, लास्ट के चार जो यहाँ पे खेले गए ओडीआई मुकाबले उसमें देखिएगा कि कैसे क्या सीन है। तो पेसर्स को मिला 42 विकेट, स्पिनर खाते में गई है 13 विकेट। मुझे भाई दो टीम का कंसेप्ट कभी समझ में नहीं आया, एक तो इनका इंग्लैंड का कि भाई इनके हमेशा बेंच स्ट्रेंथ ही खेलते रहेंगे, इनका आप गेंदबाजी तक जो मेन है ना वो कभी आप एक साथ एकजुट होते खेलते नहीं देखोगे। यही चीज अफ्रीका के साथ है, उनके साथ आप लुंगी एंगिडी, कगिसो रबाडा, एनरिक नोरकिया, तबड़े समसी, उनका जो मेन 4-5 बॉलिंग अटैक है वो एक साथ कभी नहीं जाएंगे खेलने के लिए। कभी लुंगी एंगिडी रहेंगे तो कभी नोरकिया रहेंगे, कभी रबाडा रहेंगे। मतलब समझ नहीं आता कि इन दोनों टीम का स्ट्रेटेजी कैसा होता है। और इन्होंने इंग्लैंड ने जॉनी बेरिस्टो जैसे बल्लेबाज जो हो सकता है कुछ टाइम से स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन ओडीआई में मैं उनको अभी भी बेस्ट मानता हूं। ओडीआई में जेसन राइट को भी इन लोगों ने ड्रॉप किया जो कि चलिए आउट ऑफ फॉर्म लंबे टाइम से चल रहे थे, लेकिन जॉनी बेरिस्टो के साथ इनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। हेड टू हेड को लेकर बात करें, दोनों टीम आमने सामने आई है 158 दफा, जहां पे इंग्लैंड जो है वो 63 बार जीती है, 90 दफा जीती है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम। इंग्लैंड की लास्ट 5 ओडीआई मैच लॉस विन लॉस 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 रहा है। वही अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो इनका जो है ये विन 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 विन, ये टीम हमेशा, ये मैं एक स्टेट्स देख रहा था कि लास्ट के 2-3 साल में ओडीआई का एक भी मुकाबला ये हारे नहीं है। अगर हम बात करेंगे लास्ट 5 नहीं लास्ट 7 ओडीआई मैच को लेके, तो ये टीम जो है इंग्लैंड को हेड टू हेड में फेंटी लगा दी है। अब आइए हम बात करते हैं कि सेकेंड ओडीआई में क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैथ्यू शॉट को ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भाई आप सीधा ओपनिंग करने चले जाओ। सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत चुकी है, तो हो सकता है ये कुछ फेरबदल भी कर ले। और मैच से पहले टॉस के टाइम में मिचेल मार्श ने एक बड़ी बात कहा था कि ये बहुत जल्द गेंदबाजी करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो हो सकता है यहीं से कर दे। ओपनर मैथ्यू शॉट 29 के थे, हेड 29, मिचेल मार्श 60, स्टीवन स्मिथ 4, लावुसेन 19, कैरी 74, मैक्सवेल 7, हार्डी किए थे 23 रन। गेंदबाजी में बात कर लेंगे इंग्लैंड के साइड से, मैथ्यू फोर्ट 4 में 30 रन 2 विकेट, वेस्ट स्टोन 8 ओवर 4 गेंद 46 रन 1 विकेट, ब्रेंडन कार्स 10 ओवर 75 रन 3 विकेट, इनके अलावा आदिल रशीद 10 में 42 रन 2 विकेट, जैको विथल 5 ओवर 33 रन 2 विकेट, लिविंगस्टन 2 में 23 और यहाँ पे विल जैक्स 2 ओवर 19 रन 0 विकेट। सामने हेड, इसके अलावा यहाँ पे कैडे और नीचे से आपको दिखे जाएंगे मिचेल स्टार्क, मतलब 8-9 में 3 लेफ्टी हैं, तो यहाँ पे आप जो है विल जैक्स लिविंगस्टन से भी ठीक ठाक ओवर उम्मीद कर सकते हो, तकरीबन 6-7 ओवर बंचेज में आके डाल सकते हैं। बात करूं यहाँ पे जब इंग्लैंड की टीम आई चेस करने के लिए, फिसाल तो है 12 रन में इनको जीवनदान भी मिल गया था, डकेट 32, विल जैक्स 0, हैरी ब्रुक 4, जी स्मिथ 49, लिविंगस्टन 0, बैतल 25, ब्रेंडन कार्स 26। अगर इंग्लैंड की पहले गेंदबाजी आती है
तो इनके गेंदबाज के ऊपर आप फोकस करना, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये अगर इनका बैड डे होगा तब जीतेंगे 5 विकेट से, नहीं तो 6-7 विकेट से ये टीम जीत जाएंगी। गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क 9 ओवर 2 गेंद 50 रन 3 विकेट, हेजलवुड 8 में 54 रन 2 विकेट, हार्डी 8 ओवर 26 रन 2 विकेट, जंपा 8 में 42 रन 1 विकेट, मैक्सवेल 6 ओवर 1 गेंद 15 रन 2 विकेट और मैथ्यू शॉट 1 ओवर 8 रन 0 विकेट। अब जैसे ही मैक्सवेल आ गया ना, ये भी ऑफ गेंदबाज हैं सामने वाली टीम में, डकेट और यहां से आपको दिख जाएंगे बेथल, दो लेफ्टी, तो जब लेफ्टी के सामने गेंदबाजी करने की जरूरत पड़ेगी पहले ये लोग प्रीफर करेंगे ग्लेन मैक्सवेल को। अब भाई हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर इंग्लैंड का क्या हो सकता है, तो ये टीम यहाँ पे कुछ भी फेरबदल कर सकती है, सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया, वो सीरीज जीत चुकी है और ये सीरीज हार चुकी है। अपने दिखेंगे बेन डकेट, फिर फिलिप साल्ट, विल जैक्स, जे स्मिथ, हैरी ब्रुक, लियम लिविंगस्टन, जैकब विथल, वेस्ट स्टोन, ब्रेंडन कार्स, रासिद और आपको दिख जाएंगे मैथ्यू पॉट्स। गेंदबाजी में पॉट्स, आदि, रसिद, ब्रेंडन कार्स, स्टोन, ये 4 इनके मेन गेंदबाज होंगे। डेथ में जहां पे मैथ्यू पॉट्स, स्टोन आएंगे और असिस्ट करेंगे इनको लियम लिविंगस्टन, जैकब विथल और विल जैक्स। अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात करें, उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, विकेट कीपिंग जे स्मिथ करेंगे। इनका देखिएगा फिलिप साल्ट का हिट टू रेट 5 में 56 रन, रिसेंटली 12-17-39-20-0। बेन डकेट हिट टू रेट 2 मैच में 127, रिसेंटली 32-95-7-22-39। इधर का ट्रेविस हेड, बेन डकेट ही है ध्यान रखिएगा। विल जैक्स हिट टू रेट 2 मैच में 62 रन 0 विकेट, रिसेंटली 0 रन 0 विकेट 62 रन 0 विकेट 12-6-8। देन आफ्टर जे स्मिथ, एक और टैलेंटेड बल्लेबाज, हिट टू रेट 2 मैच में 72 रन, वेन्यू पे देखिएगा तो नहीं खेले, रिसेंटली 49-23-0-16-67। हैरी ब्रुक एक और टैलेंटेड बल्लेबाज, इसीलिए तो इनको कप्तान दिया गया, लेकिन हिट टू हिट 2 मैच में 43 रन है, वेन्यू पे 1 मैच में 20 रन है, रिसेंटली 4-39-43-7। लियम लिविंगस्टन, मैंने कहा था कि T20 वाली फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ODI फॉर्मेट अलग है, T20 अलग है और टेस्ट में तो भाई इनके पाले नहीं पड़ेंगे। हेड टू हेड 3 मैच में 15 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 3 मैच में 52 रन 2 विकेट, रिसेंटली 0 रन 0 विकेट 13 रन 1 विकेट, 87 रन 0 2 विकेट, 37 रन 3 विकेट, 43 रन 1 विकेट। इनके पास अगर गेंदबाजी बैकअप नहीं होता तो मैं कहता कि लिविंगस्टन से दूर रहो, लेकिन मैं अभी बोलूंगा कि आप ट्राई करके चल सकते हो। जैकब विथल हेड टू हेड 2 मैच में 60 रन 3 विकेट, रिसेंटली 25 रन 2 विकेट, 35 रन 1 विकेट, 44 2 रन 0 विकेट 5। ब्रेंडन कार्स हेड टू हेड 2 मैच में 26 रन 3 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 16 रन 2 विकेट, रिसेंटली 26 रन 3 विकेट, 0 विकेट 2 विकेट, 18 रन 2 विकेट, 18 रन 0 विकेट। आदि रसीद हेड टू हेड 28 मैच में 49 रन, वेन्यू पे 7 मैच में 10 विकेट, रिसेंटली 49 रन 49 विकेट, रिसेंटली 27 रन 2 विकेट, 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 3 विकेट। वेस्ट स्टोन और एम पॉट्स पहले गेंदबाजी में दोनों को बैक कर सकते हो, डेथ में दोनों आएंगे 45 से लेके 50 के बीच में, जहां पे बंचेज में विकेट मिल सकता है। पिछले मैच में तो भाई ऐसा सीन हो गया था ना कि स्टीवन स्मिथ, लावुसेन जो उनके दो कोर बल्लेबाज हैं वो फ्लॉप हो गए थे, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, वो दोनों बीच में आके जो है विकेट को पात देंगे और वो लोग ऑस्ट्रेलियन लास्ट में जो विकेट फेंकेंगे वो जाएगा स्टोन और मैथ्यू पॉट्स के खाते में। स्टोन हेड टू हेड 3 मैच में 5 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। मैथ्यू पॉट्स हेड टू हेड 2 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 30 रन 3 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट। बात करूं स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर, आपको दिख जाएंगे मैथ्यू पॉट्स, ब्रेंडन कार्स, वे स्टोन, डेथ में मैथ्यू पॉट्स, ब्रेंडन कार्स और वो स्टोन। बेंच पर दिखेंगे आपको जोफ्रा आर्चर, हरीश टॉपले, जॉन टर्नर, हो सकता है टर्नर यहाँ पे खेल भी जाए, टैलेंटेड गेंदबाज हैं, जॉर्डन कॉक्स टैलेंटेड बल्लेबाज है, शकीब महमूद भी यहाँ पे खेल सकते हैं। अब भाई हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर। ओपनर दिखेंगे ट्रेविस हेड, जो कि लास्ट के 3-4 साल से जबरदस्त फॉर्म में है, उसके साथ आपको दिख सकते हैं मैथ्यू शॉट, फिर मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, लावुसेन, एलेक्स कैरे, ग्लेन मैक्सवेल, हार्डी, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, जंपा। गेंदबाजी में स्टार्क, हेजलवुड, जंपा और ग्लेन मैक्सवेल, मुझे लगता है ये चारों तकरीबन डालेंगे 40 ओवर के आसपास, बाकी के 10 ओवर जाएगा हार्डी और मैथ्यू शॉट के खाते में। अगर मिचेल मार्श फिट होते हैं तो ये भी गेंदबाजी कर सकते हैं और ट्रेविस हेड भी कभी कभार गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन अभी चांसेस कम हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेयर स्टैट्स को लेके, ट्रेविस हेड का हेड टू हेड 16 मैच में 829 रन 50 का एवरेज है, 2 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच में 112 रन, रिसेंटली 29 154 रन 2 विकेट 31-59-12। मैट शॉट हेड टू हेड 2 मैच में 29 रन 1 विकेट, रिसेंटली 29 रन 0 विकेट 1 विकेट 28 रन 5 विकेट, ये इनके साथ T20 में लेकर आ रहे हैं जब हमारे कैप्टन थे मैथ्यू शॉट, और उसी मैच में हमारे VC थे लियाम लिविंगस्टन, जिन्होंने 87 रन और 3 विकेट लिया था और हम लोगों ने स्मॉल लीग टीम से मिनी जीएल को अटैक किया था। फिर यहाँ पे 41 और 1 रन 0 विकेट,
मिचेल मार्श हिट टू एट 20 मैच में 634 रन 34 का एवरेज है, 19 विकेट है और इनका स्ट्रगल जबरदस्त है किसके साथ, आदिल रशीद के साथ। फिर यहाँ पे देखिएगा रिसेंटली 60-10-2-31 डू नॉट बैट। फिर यहाँ पे स्टीवन स्मिथ का देखिएगा हिट टू एट 36 मैच में 1139 रन 38 का एवरेज, 15 विकेट, रिसेंटली 4-32-88-156। मार्टिनस लाबुसेन हिट टू एट 9 मैच में 326 रन 40 का एवरेज, 3 विकेट, रिसेंटली 1977 रन 3 विकेट, 5 विकेट, 50 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट। एलेक्स गैरे हिट टू एट 13 मैच में 420 रन 29 का एवरेज है, वेन्यू पी एक मैच में 6 रन, रिसेंटली 74 डू नॉट मैच 14-98-13। फिर आपको दिख जाएंगे ग्लेन मैक्सवेल हेड टू हेड 25 मैच में 41 का एवरेज है, 17 विकेट है, 870 रन है, वेन्यू पी एक मैच में 65 रन, रिसेंटली 7 रन 2 विकेट, 40 रन 1 विकेट, 54 रन 0 विकेट, 34 रन 3 विकेट, 15 रन 2 विकेट। अगर ऑस्ट्रेलिया की पहले बल्लेबाजी आती है आप कन्फर्म रहना इनका बल्लेबाजी आएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया की सेकंड बल्लेबाजी आती है ना तो 90% चांसेज हैं कि इनका बल्लेबाजी तक मैच पहुंचे ना। एरन हार्डी हेड टू हेड 2 मैच 23 रन 2 विकेट, रिसेंटली 23 रन 2 विकेट, 0 विकेट, 20 रन 0 विकेट, 11 रन 2 विकेट और 1 विकेट मिनी जीएलजीएल में, इनके ऊपर भी आप ध्यान देके चल सकते हो। मिचेल स्टार्क हेड टू हेड 23 मैच में 41 विकेट, रिसेंटली 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगे जॉस हेजलवुड हेड टू हेड 15 मैच में 21 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, 0 विकेट 0 विकेट। जंपा 14 मैच में 30 विकेट हेड टू हेड, रिसेंटली 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट। बात करो स्टार्टिंग ओवर्स को लेके, आपको दिख जाएंगे मिचेल स्टार्क, एरन हार्डी, जॉस हेजलवुड, डेथ में मिचेल स्टार्क, जंपा और जॉस हेजलवुड। बेंच पे दिखेंगे फ्रेजर मैकगर्क, इंग्लिश, नथन एलिस, ग्रीन, बेन डॉर्विसेस तो इंजर्ड हो गए, फिर सिन एवर्ट, इनमें से कोई भी खेल सकते हैं, जो भी खेले मिनी जीएल जीएल एसएल में आप ट्राई करके चल सकते हो, उनका स्टेट्स आपको कुछ ऐसा सामने देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इस मैच को हम लोग दबा के खेलेंगे एक्सएल 11 के ऊपर। रीजन क्या है कि आप दूसरे ऐप के साथ एक बार कंपेयर कर लेना कमीशन में, आपको सबसे लोएस्ट कमीशन देखने को मिल जाएगा, जहां पे अदर ऐप कुछ ऐसे लेंगे एक्सएल 11 आपके सामने है, एक ही कंटेस्ट में आप 151, 36, 29 और 13 रुपीज सेविंग करके चल सकते हो। साथ में एक्सएल 11 है टोटली जीएसटी टीडीएस फ्री, उसके अलावा आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे मिल जाएंगे 100% बोनस अमाउंट, जो भी आप डिपॉजिट अमाउंट करोगे उसमें कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। और इनके अलावा यहाँ पे अभी चल रहे हैं सीपीएल में जबरदस्त लीडर बोर्ड, अगर आप इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में टॉप पे आ जाते हो, जो कि सिंपल है, बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट करके आपको प्ले करने नहीं होंगे, छोटे अमाउंट को मैं इन्वेस्टमेंट करवा करवा के आपको टॉप 10 में आराम से ला दूंगा। अभी भी मौके हैं, 8-10 मुकाबले सीपीएल के बाकी हैं, मैं आपको यहाँ पे लेकर आ जाऊंगा टॉप 10 में, जहां रैंक 1 पे आईफोन 15, रैंक 2 पे आईफोन 14, ऐसे करके 6 से 8 में भी मोबाइल है और 30 तक कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे टॉप 30 में आने का। तो क्या करना है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा एक्सएल 11 ऐप का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और अभी के अभी एक्सएल 11 ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी सफर यहाँ पे शुरुआत कीजिए। हाँ भाई, हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। तो मैंने विकेट के पीछे लिया फिलिप साल्ट को अभी भी, जबकि मुझे पता है इनका बेड़ा गर्क होना इस मैच में भी है। बैटिंग में मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, बेन डकेट, हैरी ब्रुक को मैंने जगह दी है, ऑलराउंडर से मैंने लिए ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉट, लिविंगस्टन, विल जैक्स को, उसके बाद मैंने बॉलिंग से लिए मिचेल स्टार्क और एडम जंपा को। मैं यहाँ पे 2 बदलाव कर सकता हूँ, क्या क्या, लिविंगस्टन और विल जैक्स, इन दोनों को ड्रॉप करके मैं यहाँ पे ले सकता हूँ अपनी टीम में जॉस हेजलवुड को, और दूसरा मैं यहाँ पे बदलाव कर सकता हूँ, एक को ड्रॉप करके मैं यहाँ पे ले सकता हूँ स्टीवन स्मिथ को। तो वो जो मैं बदलाव करूंगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, या फिर अगर यहाँ से इंग्लैंड की पहले बॉलिंग आती है मैं मैथ्यू पॉट्स, फिर ब्रेंडन कार्स और स्टेन को लेके जा सकता हूँ। फिलहाल मैंने कुछ ऐसे टीम बनाए हैं, कैप्टन मैंने दिए ट्रेविस हेड को, वीसी मैंने दिए दोनों टीम से एक ही तरीके के बल्लेबाज को, बेन डकेट को मैंने वीसी दिया हुआ है। इनके अलावा आप मैक्सवेल, मैथ्यू शॉट, मिचेल स्टार्क, जंपा और रिस्क टेकर मिचेल मार्श के साथ हैरी ब्रुक को भी कैप्टन वीसी देके जा सकते हो। बाकी टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर हमारी टीम में कुछ भी फेरबदल होंगी उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रख लीजिए। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।